अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर सिरसा पुलिस प्रशासन द्वारा सामाजिक संस्थाएं एवं आमजन के सहयोग से आज प्रातः मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मैराथन में हिस्सा लेते हुए नजर आए। वहीं सिरसा के टाउन पार्क से शहीद भगत सिंह चौक तक आमजन के साथ मैराथन करते हुए पहुंचे और कार्यक्रम के समापन स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका भाई, कोई भी अगर नशे की गिरफ्त में है तो उसे बाहर निकालना भी आपकी एक अहम जिम्मेवारी बनता है और नशा कर रहे व्यक्ति को नशे से बाहर निकालें। और वहीं इस अवसर पर समाज में अपनी सेवाएं दे रही तमाम संस्थाओं ने भी पुलिस अधीक्षक का सम्मान किया और वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी आज समाज में अपनी सेवाएं दे रहे मोहित मेहता के जन्मदिवस पर केक काटकर उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों को नशे से दूर रहने की भी शपथ दिलवाई गई। और वहीं जेजी न्यूज परिवार द्वारा समाज हित में शुरू किए गए डिजिटल प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया एवं पत्रकारों से भी रूबरू होते हुए क्या बोले देखिए। जा रहा है और इसमें यही एक संदेश समाज को देना होता है, पूरे विश्व भर में जो वो चल रहा है कि जो भी नशा है उसको हमको प्रिवेंट करना है, यानी कि कैसे नशा समाज में अगर फैल रहा है तो उसको रोकना है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमिका परिवार की होती है, क्योंकि जो बच्चे की पहली पाठशाला है वो उसके माता पिता जो सिखाते हैं वो होता है। तो आज हमने भी यही बोला है यहाँ लोगों से और प्रयास किया है कि सबसे पहले संस्कार माता पिता देते हैं अपने बच्चों को, तो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा किस संगत में जा रहा है। उनको निरंतर बातें करते रहना चाहिए अपने बच्चों से कि कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है, चाहे वो नशे में जा रहा है या उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो रहा है या अपराध कर रहा है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार जो है अपना दायित्व समझे, विशेषकर माता पिता। इसके बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो उनके जो मित्रगण हैं, परिवार के जो क्लोज के लोग हैं या जो रिश्तेदार हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनको भी ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहा है, कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है। साथ ही समाज, हमारे मोहल्ले के अगर कोई बच्चे हैं या हमारे गाँव के कोई बच्चे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी कि उनको हम गलत जगह जाने से रोकें, उनको टोकें, उनके माता पिता को बताएं कि गलत संगति में जा रहा है। तो समाज को भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाना है। और फिर आती है जो भी सामाजिक संगठन हैं या जो विभिन्न संस्थाएं हैं, वो अपना रोल निभाएं। तो सभी अगर अपना रोल निभाने लगे इसमें, सभी अपना दायित्व समझे, तो निश्चित रूप से हम नए बच्चों को नशे में जाने से रोक सकते हैं। इसी तरह प्रयास करना चाहिए कि जो पुराने बच्चे हैं उनका नशा छुड़वाने के लिए हम लोग लगे रहें। तो उसमें सबसे बड़ी बाधा आती है कि फॉलोअप नहीं हो पाता। एक बार दवाई तो डॉक्टर ने शुरू कर दी 4-5 दिन, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो समझ में नहीं आता। तो उसमें भी समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वो हमेशा ये इंश्योर करे कि जो भी बच्चा डी एडिक्शन के लिए जा रहा है उसका कंटिन्यू से प्रोसेस चलता रहे। ये प्रक्रिया क्योंकि 1 या 2 साल या उससे भी लंबी चलती है जब कोई नशा छोड़ता है, तो उसमें भी परिवार और समाज का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। तो सबको मिलके अगर हम काम करेंगे तो सबसे पहले तो नशे को रोक पाएंगे और साथ ही जो नशा कर रहा है उसका नशा भी छुड़वा पाएंगे। और अगर ये सामूहिक प्रयास बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और समाज में एक आत्मीयता का भाव होना चाहिए, एक अपनत्व का भाव होना चाहिए लोगों के बीच में कि अगर कोई नशा कर रहा है तो वो हमारे परिवार से भी संबंधित है, मतलब हम उसको अपने परिवार की तरह माने, तभी हम जो है नशे पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं, एक जो सिरसा पुलिस के 2 नंबर हैं, एक व्हाट्सएप वाला नंबर है, एक दूसरा नंबर है, उसमें बिल्कुल किसी को कोई आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसका प्रोसेसिंग होता है, उस पर फिर कार्यान्वयन भी होता है, उसका पूरा हम डाटा करते एनालिसिस करते हैं। साथ ही अभी जो हमारा स्टेट एंटी नार्को